सो गाइस आज हम लस्बियन के ऊपर बात करेंगे, लस्बियन फैंटेसी के ऊपर बात करेंगे, कि लस्बियन रिलेशनशिप के ऊपर बात करेंगे। हम ये जानेंगे कि लस्बियन की जिंदगी में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, किस तरह के दौर से वो गुजरती है, उनका मेंटल स्टेटस क्या होता है, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, इन सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगी आप लोगों के लिए। वो फीमेल जो तो किसी दूसरी फीमेल से फिजिकली अट्रैक्ट होती है और उसी से ही सेक्सुअल रिलेशन बनाती है, ऐसे फीमेल को लस्बियन कहा जाता है। बहुत से लोगों को समझ में आ गया होगा और बहुत से लोग अभी भी असमंजस में होंगे। तो डियर, बिल्कुल वैसे ही अट्रैक्शन की बात है जैसे एक लड़का किसी लड़की के लिए अट्रैक्शन फील करता है। अभी कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी और जो चीज आप नहीं जानते हैं इस वीडियो को देखते चलिए, लास्ट तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लस्बियन रिलेशनशिप एक हार्मलेस रिलेशनशिप होता है जिसके अपने फायदे तो हैं ही, लेकिन साइड से कोई नुकसान भी नहीं है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो जब से सृष्टि है तब से इसकी हिस्ट्री है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन यह अनकॉमन जरूर है। इसलिए इसको जानने वाले लोग, इसको करने वाले लोग ठग ठगा के रखते हैं, छुप छुपा कर रखते हैं। पुराने से पुराना इतिहास, चाहे वो किसी भी देश का हो, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल जाएगी वहां की कहानियों में, वहां के पुरातत्व मूर्तियों में आपको इस तरह के रिलेशनशिप की, इस तरह की चीजों की आपको झलक देखने को मिल जाएगी। अगर हम इंडिया की बात करें तो खजुराहो के मंदिर में जो मूर्तियां स्थापित है, उन मूर्तियों में आपको इस तरह की चीजों की झलक देखने को मिल जाएगी। इसी तरह से कामसूत्र जो कि इंडिया में रचा गया, उसमें भी एरोटिक होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में विस्तार से बताया गया है। बात उठती है कि जो हम लस्बियन के ऊपर बात कर रहे हैं, ये लस्बियन रिलेशनशिप ये नेचुरल है या अननेचुरल है? तो डियर, ये बिल्कुल नेचुरल चीज है। विकिपीडिया भी ये कहता है कि ऋग्वेद में ये मेंशन किया गया है कि जो चीज अननेचुरल लगती है वो भी नेचुरल ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी आविष्कार हुए हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर्स, ऑनलाइन हम लोग जो ये खेल रहे हैं, कुदरत ने हमें ये चीजें नहीं दी, लेकिन इन चीजों को बनाने में इंसान ने नेचर का इस्तेमाल किया है। लाइक जब उसने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया, इलेक्ट्रिसिटी बनाई, तो उसने नेचर के पानी को यूज किया। तो वो कोई भी चीज जो इंसान के द्वारा बनाई गई है और उसमें उसने नेचर का यूज किया है तो वो नेचुरल है। तो इंसान के द्वारा किया गया कोई भी एक्ट जिसमें नेचर यूज किया गया है तो वो नेचुरल हो जाता है। अब यहाँ पे आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, इंसान जो है वो नेचर की देन है और इंसान को हम लोगों ने बाइफर्केट किया हुआ है कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये ट्रांसजेंडर है और ये गे है। कुदरत ने तो अपने हिसाब से चीज बना दी, उसे बाइफर्केट हम लोगों ने कर दिया कि भैया मेल है तो फीमेल के साथ ही जाएगा, फीमेल है तो मेल के साथ ही जाएगी। इंसान ने ही डूज एंड डोंट्स क्रिएट किए, नेचर ने तो ऐसा कोई बाउंडेशन लगाकर भेजा ही नहीं। इंसान ने ही ये रूल्स बनाए कि मेल मेल के साथ नहीं जाएगा और फीमेल फीमेल के साथ नहीं जाएगी। ये चीजें क्लियर है? अब टॉपिक पर आते हैं। अब बात करते हैं कि एक लड़की किसी दूसरी लड़की से अट्रैक्ट क्यों होती है, वो लस्बियन एक्ट में इंटरेस्ट क्यों रखती है। कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो वह अपने साथ गुण और अवगुण लेकर पैदा होता है। शुरुआत में तो किसी को भी नहीं पता होता, सब चीजें चल रही होती है आराम से, लेकिन जब वो लड़की धीरे धीरे व्यस्क होना शुरू होती है तो चीजें उसको समझ में आना शुरू होती है कि वो लस्बियन है या वो स्ट्रेट है। लेकिन जिस समाज में वो रह रही होती है, जिस फैमिली में उसका पालन पोषण हो रहा होता है, वहां पर एक चीज पहले से ही क्लियर होती है कि चाहे कोई मेल हो या फीमेल, वो स्ट्रेट ही होना चाहिए। वो जो फीमेल है वो तो बचपन से यही देखती हुई बड़ी हुई है कि जो मेल है उसकी शादी फीमेल से होती है और फीमेल की शादी मेल से होती है। लेकिन अगर उसको कुदरत ने ये गुण देकर भेजा है कि भाई तू जो अट्रैक्शन फील करेगी वो फीमेल के साथ ही करेगी, अब जब उसे ये चीजें होने लग जाती है तो वो खुद परेशान हो जाती है, यार मेरे साथ ये अजीब सी चीजें क्यों हो रही है, मैं किसी फीमेल की तरफ ही अट्रैक्ट क्यों हो रही हूँ। तो वो खुद असमंजस में पड़ जाती है और वो परेशान हो जाती है कि मेरे साथ ये अजीब अजीब सी चीजें क्यों हो रही है। तो डियर, इसका सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। हमारी जो बॉडी होती है उसकी संरचना में जो नेचर होती है वो बहुत से हार्मोन्स का यूज करती है। हमारा जो नेचर और बिहेवियर है वो काफी हद तक इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। जहां तक बात है प्यार की, अफेक्शन की, लव मेकिंग की, तो इसमें एक खास हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं। इसे लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है और ये फीमेल में ज्यादा पाया जाता है। तो एक तरह से प्रोटीन का ही रूप होता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो अट्रैक्शन क्रिएट करता है और जो डोपामाइन होता है वो आनंद क्रिएट करता है।
अब क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्ट होता है और मिल्क प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है वो कुदरत ने फीमेल को ही दी है, वो मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, क्योंकि एक मिल्क प्रोडक्ट होता है तो ये फीमेल में ज्यादा पाया जाता है। अब इस अट्रैक्शन और अफेक्शन के एग्जाम्पल के लिए आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जब कोई माँ अपने बच्चे के बालों को सहलाती है तो बड़ा प्यारा प्यारा सा फील होता है, इनफैक्ट नींद तक आ जाती है। ऐसे में अगर कोई इंसान किसी की पीठ को थपथपाता है और अगला परेशान उसे सांत्वना देता है कि टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम तो दे, तो ऐसे में सामने वाले को बड़ा अच्छा अच्छा सा फील होता है, एक गुड फील का एहसास होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान जब एक माँ अपने बच्चे को सहला रही होती है, बालों पे हाथ फेर रही होती है, दूसरा इंसान उसकी पीठ को थपथपा रहा होता है, तो वहां पे कोई सेक्स हो रहा होता है क्या? नहीं हो रहा होता ना, लेकिन गुड फील का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि उस प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो रिलीज होना शुरू होता है और जो डोपामाइन है वो अपना काम करना शुरू करता है। तो इससे क्या होता है, आपको आनंद फील होता है, आपको गुड फील का एहसास होता है। अब वो बालों को सहलाने वाला या आपकी पीठ को सहलाने वाला, चाहे मेल हो या फीमेल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आनंद फील करता ही करता है। अब क्योंकि ये जो ऑक्सीटोसिन है ये एक तरह का मिल्क प्रोडक्ट है और मिल्क प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है वो फीमेल को ही मिली है, तो इस वजह से मेल की कंपैरिजन में फीमेल के अंदर ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ज्यादा बनता है। और यही एक रीजन है 10% जो लेस्बियन गुण है वो हर फीमेल अपने साथ लेकर पैदा होती है। आप खुद भी देखेंगे जो मेल होगा वो मेल या तो मेल की तरफ अट्रैक्ट होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जो फीमेल होती है वो कहीं ना कहीं दूसरी फीमेल से अट्रैक्ट हो ही जाती है। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी फीमेल है जो अपनी इन चीजों पर काबू कर लेती है और कौन सी ऐसी फीमेल है जो अपनी इन चीजों पर काबू नहीं कर पाती है। तो इसका भी जो श्रेय है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही जाता है। जिस फीमेल के अंदर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस होता है वो अपनी इस चीज पे कंट्रोल नहीं कर पाती। इसके बाद चीजें डिपेंड करती है कि वो नेचर वाइज कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, जिद्दी स्वभाव की है, अग्रेसिव है, जमाने से डरती नहीं है, अपनी बातों को मनवाने का दम रखती है, चैलेंज एक्सेप्ट कर सकती है, तो वो अपने लेस्बियन गुण को लेकर आगे बढ़ जाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर वो फीमेल जिसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो समाज का सामना कर सके, उनके सवालों का जवाब दे सके, उनकी तीखी निगाहें झेल सके, वो कहीं ना कहीं दब जाती है और स्ट्रेट बनने का नाटक कर लेती है। जो ये नाटक नहीं कर पाती वो खुलकर सामने आ जाती है कि जी मैं लेस्बियन हूं, कर लो क्या करोगे। अब इन्हें पहचानते कैसे हैं? इनकी कोई निशानी तो होती नहीं है, ना ही ऐसा कोई स्टैंप यहाँ पे माथे पे लगा के घूमती है कि मैं लेस्बियन हूँ। ऐसा तो है नहीं कि वो सराउंडिंग में आपके जो घूम रही है कोई टैग लगा के घूम रही है, कोई ऐसा गले में कुछ पहना हुआ है कि मैं लेस्बियन हूँ। तो इन्हें पहचानते कैसे हैं? इन्हें पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। आप इन्हें जो आपके साथ खा रही है, पी रही है, बैठ रही है, आप नहीं पहचान सकते कि वो लेस्बियन है। क्या होता है कि मेल और फीमेल में सेंसेस होते हैं। मेल में 5 सेंस है तो फीमेल को 6th सेंस से नवाजा गया है। ये 6th सेंस जो है वो इस तरह से काम करती है उसकी कि आपको किसी फीमेल को सिखाने की जरूरत नहीं है कि ये बैड टच है, ये गुड टच है। वो जब उसे कोई टच करता है उसे समझ में आ जाता है कि जिसने मुझे टच करा है ये दोस्ताना वाला टच है या लस्ट वाला टच है। फिर टच करने वाला चाहे कोई मेल हो या फीमेल हो, कोई फीमेल खुद से इनिशिएट नहीं करेगी जब तक वो लस्ट वाली भाव से आपको देखेगी नहीं, आपको टच नहीं करेगी, आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। किसी दूसरे फीमेल के लिए वो लस्ट भाव फील नहीं करेगी, ये उसी के साथ वो चीजें करेगी, उसे टच करने की कोशिश करेगी जिससे वो अट्रैक्शन फील करेगी, उसके साथ वो ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने की कोशिश करेगी, ज्यादा से ज्यादा करीब आने की कोशिश करेगी, उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेगी, वो चाहेगी उसका अटेंशन लेने की कोशिश करेगी। और जब वो फीमेल उसको टच करेगी, सामने वाली को उसका जो टच है वो बता देगा कि ये जो टच है ये वो वाला टच नहीं है, इसमें फ्रेंड वाली बात नहीं है, इसमें कुछ और बात है, ये जो टच है जिसने मुझे किया है ये मुझे कोई और सिग्नल, कोई और मैसेज दे रहा है। अब जो लेस्बियन होती है उसमें भी 2 कैटेगरी पाई जाती है, एक वो जो कि फेमिनिन नेचर की होती है, दूसरी वो जो मैनली नेचर की होती है। जो फेमिनिन नेचर वाली होती है उसका जो रोल होता है वो होता है गर्लफ्रेंड बनने का, वो अपनी जो फीमेल पार्टनर है उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। जो दूसरी होती है जिसमें थोड़ा सा मर्दाना एटीट्यूड होता है वो मैनली नेचर की होती है, वो अपनी जो फीमेल पार्टनर है उसकी लाइफ में मर्द की जगह लेना चाहती है, उसकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहती है, और वो उसके लिए बिल्कुल वैसे ही एक्ट करती है, वैसे ही चीजें करती है जैसे एक लड़का किसी लड़की के लिए करता है। वो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है, उसका हेल्पिंग हैंड बनने की कोशिश करती है, उसको सपोर्ट करती है, उसके सुख दुख का ख्याल रखती है, उसकी खुशियों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करती है, दुख को कम करने की कोशिश करती है। एक तरह से वो मैन रोल प्ले करती है क्योंकि वो टॉप में रहना चाहती है, वो बॉटम माइंडेड नहीं होती, वो टॉप माइंडेड होती है। दूसरी ओर जो फेमिनिन लेस्बियन होती है जिसका नेचर थोड़ा फेमिनिन होता है वो अपना कंट्रोल देने में इंटरेस्टेड होती है, वो चाहती है कि मेरे जिंदगी में कोई फीमेल हो लेकिन वो मर्द जैसा रोल प्ले करे।
मैं अपना जो कंट्रोल है सारा उसके हाथों में दे दूं, और वो करती भी है। वो जो गर्लफ्रेंड बनकर जो फेमिनिन गुण होते हैं उनके साथ वो लस्बियन रिलेशन में आगे बढ़ जाती है। तो डियर ये भी चीज होती है, अगर दोनों लस्बियन हैं और दोनों ही फेमिनिन हैं तो वो दोनों एक दूसरे के लिए लड़की की समान है, और ये लस्बियन रिलेशनशिप डेवलप वहां नहीं हो पाता। लस्बियन रिलेशनशिप वहीं डेवलप होता है जहां पर फीमेल तो होती है लेकिन एक मैन माइंडेड होती है और दूसरी वुमेन माइंडेड होती है, क्योंकि इसमें जो एक फीमेल जो होती है वो मैन ऑफ फैमिली रोल प्ले कर रही होती है और दूसरी वुमेन ऑफ फैमिली रोल प्ले कर रही होती है। अब चलो दो लड़कियां हैं, एक टॉप है एक बॉटम है, मान लिया एक मैन नेचर की है एक वुमेन माइंडेड है, एक्सेप्टेड। लेकिन अब जब ये दोनों बिस्तर पर आएंगी तो क्या करेंगी, क्योंकि मेल ऑर्गन तो है नहीं, तो वो एक दूसरे को सेटिस्फाइड कैसे करेंगी विदाउट उसके, तो कैसे होएगी सारी चीजें पॉसिबल। क्योंकि क्या है ना कि लोगों के दिमाग में यही रहता है कि यार ये जब दो लड़कियां और रिलेशनशिप बनाती हैं, शादी करती हैं, तो फिर इसके बाद एक दूसरे को सेटिस्फाइड कैसे करती हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है, यहाँ पर सबको ही मैं बताना चाहूंगी, फीमेल को सेटिस्फाइड करने के लिए एक मेल ऑर्गन की ही जरूरत होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता कि एक फीमेल को उस मेल ऑर्गन के बिना सेटिस्फाइड किया ही नहीं जा सकता। उस मेल ऑर्गन की जो जरूरत होती है ना, होती है, लेकिन वो लास्ट के 3 या 4 मिनट के लिए होती है ना, उससे पहले होती है और उस 3-4 मिनट के बाद तो होती ही नहीं है। एक फीमेल की बॉडी को तृप्त करने के लिए एक्टिविटी की जरूरत होती है, प्यार की जरूरत होती है, फीलिंग की जरूरत होती है, अफेक्शन की जरूरत होती है, इमोशंस की जरूरत होती है, सेंसुअलिटी की जरूरत होती है, मैनहुड की जरूरत होती है, लेकिन लास्ट में वही 3 से 4 मिनट। तो ऐसे में अगर आप नाइट लॉन्ग प्ले कर रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो शरीर है ये सुख भोगने की चीज है, तो ऐसा नहीं है कि ऑर्गजम तक पहुंचने के लिए आपको उस मेल ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर उन्हें कभी ऐसी जरूरत लगती है तो मार्केट में सिलिकॉन से बने हुए कितनी चीजें हैं, वो उन चीजों का इस्तेमाल कर लेती हैं। वो जो भी चीजें करती है बेस्ट करती है, क्योंकि दोनों ही फीमेल है, दोनों ही जानती है फीमेल बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कितना प्रेशर होना चाहिए, कहाँ टच होना चाहिए, किस बॉडी पार्ट में सेंसुअलिटी क्रिएट की जा सकती है और कितनी क्रिएट की जा सकती है, कैसे क्रिएट की जा सकती है, किस बॉडी पार्ट से खेला जा सकता है, कैसे खेला जा सकता है, कैसा टच होना चाहिए। यहाँ पर वही बात आ जाती है कि अपने दिल से पूछिए पराए दिल का हाल, पर क्योंकि दोनों फीमेल है दोनों ही जानती है कि उस फीमेल की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि मैं भी तो फीमेल ही हूँ। मेल जो होता है वो हमेशा मर्दानगी के हिसाब से चीजें करता है, जरूरी तो नहीं है ना उसकी पार्टनर जो है वो डोमिनेंट नेचर की है। अगर वो फेमिनिन नेचर की हुई तो उसे कष्ट भी होगा और वो बर्दाश्त भी नहीं करेगी, मुंह भी बनाएगी, तो ऐसे में क्या होता है वो पार्ट ऑफ अ लाइफ समझ के चीजें कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं जब दो फीमेल होती हैं तो वो एक दूसरे के रिक्वायरमेंट को समझकर बेहतर तरीके से चीजों को परफॉर्म करती हैं। अब बात करते हैं कि लस्बियन की जिंदगी में चैलेंजेस क्या आते हैं, प्रॉब्लम्स क्या फेस करती है वो, उसको इश्यूज क्या आते हैं समाज में। तो डियर, जब एक लड़की ये समझ जाती है कि मैं लस्बियन हूँ और वो ये डिसाइड कर लेती है कि मुझे अब इसी आइडेंटिटी के साथ अपनी जिंदगी जीनी है, तो वो समाज के सामने अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने का फैसला लेती है, तो वहां से उसकी जिंदगी में चैलेंजेस शुरू होते हैं, क्योंकि जो समाज होता है वो उसकी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। तो सबसे पहले जो उसकी मम्मी होती है वो उसके पीछे पीछे चप्पल लेकर दौड़ती है, जो बाप होता है वो सर पकड़ के बैठ जाता है, जो भाई होता है वो गंदा सा मुंह बनाता है। फिर उसके बाद शुरू होता है तांत्रिकों का दौर, झाड़ फूस कराना कि मेरी बेटी के ऊपर कोई आल बला भूत बला उसका प्रभाव पड़ गया है। साइकोलॉजिस्ट के चक्कर लगने शुरू होते हैं कि कहीं मेरी बेटी मानसिक रूप से पीड़ित तो नहीं हो गई है। ये जो समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, जो शर्मिंदगी का बोझ होता है उससे वो दबे चले जाते हैं, चेहरा लटक जाता है, कंधे झुक जाते हैं, सर 24 घंटे झुका रहता है। अगर वो सिर्फ अपनी बेटी की बातें सोच ले कि हाँ मेरी बेटी ऐसी है, तो शायद उनके कंधों पे इतना वजन ना आए। लेकिन दिक्कत किस बात की होती है कि वो जिसको जानते हैं उसका, जिसको नहीं जानते उसका, हर किसी का सवाल अपने कंधों पे उठा लेते हैं और झुक जाते हैं। उन्हें अपने कंधों पे, अपने दिमाग पर पूरे ब्रह्मांड के सवाल का बोझ लेना मंजूर होता है, लेकिन अपनी बेटी के जवाब को लेना मंजूर नहीं होता कि उसकी जो बेटी है वो लस्बियन है। जान गया है, जो जानेगा, जो अब जान जाएगा, जो कल जान जाएगा, जो आने वाले टाइम में जानेगा, वो क्या कहेगा, इसी चोज को ले लेकर वो अपने दबे चले जाते हैं। तो चलो ये तो बात थी फैमिली की, अब थोड़ा सा और बाहर निकलते हैं, उसके दोस्तों तक पहुंचते हैं। तो जो उसके दोस्त होते हैं, जब उनको पता लगता है कि वो लस्बियन है, वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देती है कि मैं लस्बियन हूँ, तो इसके बाद उसके दोस्त उसे नेगलेक्ट करना शुरू करते हैं, उसे अवॉइड करना शुरू करते हैं। वो दोस्त जो कभी उसके साथ मूवी देखा करते थे, लंच किया करते थे, लंच शेयर किया करते थे,
वो उससे झटकना शुरू करते हैं। अचानक से जो उसके दोस्त होते हैं वो उसको ऐसी नजर से देखने लग जाते हैं जैसे उसके सींग निकल आए हैं, उसके नाखून लंबे हो चुके हैं और उसकी पूंछ निकल आई है, वो अभी के अभी उनको पकड़ के उनका खून पी जाएगी। भाई उसका भी अपना क्रश है, उसके लिए भी धरती पे 4-5 लड़के ही अवेलेबल है जिसकी तरफ वो अट्रैक्शन फील करेगी। तो डियर, लेस्बियन होने का मतलब ये नहीं कि वो दुनिया की हर लड़की के साथ अटेम्प्ट करेगी, वो उसी के साथ करेगी जिसके लिए वो कुछ फील करेगी। लेकिन जो उसके दोस्त होते हैं वो इस चीज़ को समझते नहीं है, वो इसे अवॉइड करना शुरू कर देंगे, नेगलेक्ट करना शुरू करेंगे, ये सोच करके यार मैं इसके साथ रहूंगी तो मेरे साथ भी अटेम्प्ट लेने की कोशिश करेगी, या फिर दुनिया यही सोचेगी कि मैं भी ऐसी ही हूँ। तो वहाँ फैमिली की तरफ से तो रूड बिहेव, लेकिन भाई दूसरी ओर दोस्त भी उसके दुश्मन बन जाते हैं, वो भी ऐसे दुश्मन जो बोलेंगे कुछ नहीं लेकिन अपनी एक्टिविटी से बार बार उसे ये एहसास कराते रहेंगे कि तू लेस्बियन है, तू लेस्बियन है, तू लेस्बियन है। अब बात जब थोड़ा और बाहर जाती है तो वो लोग जिन्हें वो जानती भी नहीं है, जब उन्हें पता लगता है कि हाँ ये लेस्बियन है, तो अगला अपने बाप का खा के बात इसके बारे में करेगा कि देखो जो सामने बगल से जा रही है ना, वो जो उधर से गई जिसने वो कपड़े पहने हुए हैं, वो लेस्बियन है। क्योंकि समाज के ठेकेदार होते हैं ना कुछ, जिन्होंने ठेका ले लिया होता है समाज को पहुंचाने का ये इन्फॉर्मेशन कि हाँ ऐसे फलाने इसकी ये ऐसे वैसे और वो लड़कियों के साथ ये वो। तो मतलब लड़की तुम्हें जानती नहीं, तुमसे कोई मतलब नहीं, तुमसे ऐसी कोई रिश्तेदारी नहीं, लेकिन तुमने ठेका उठा लिया उसके बारे में बातें करने का, उसको टोंट मारने का। फैमिली अगेंस्ट हो चुकी है, दोस्त नेगेटिव हो चुके हैं, जो समाज है वो कोई एक मौका नहीं छोड़ रहा उसे मिनट मिनट में ताने मारने का। उसके मेंटल स्टेटस के बारे में एक बार सोचा है, उस लड़की का माहौल उसका मजाक उड़ाने से पहले उसकी मानसिक स्थिति के बारे में एक बार सोचा है, मतलब क्या वो इंसान नहीं? अगर उसके अंदर लेस्बियन गुण है, वो इस तरह की चीज़ें हैं उसके अंदर, तो उसको आप पिंजरे में बंद कर देना चाहिए, उसको टिकट लगाकर देखने जाना चाहिए कि देखो ये लेस्बियन है, ये लेस्बियन है। अब सोशल मीडिया पर कितनी ऐसी लेस्बियन लड़कियां हैं जो कि खुलकर अपनी आइडेंटिटी के साथ बाहर आ चुकी हैं। कि फॉलोवर्स देखोगे ना आप, फॉलोवर्स की उनकी कतार लगी हुई है। अब हो सकता है कि कुछ आप लोगों ने भी उनको फॉलो किया हो। अब ये आपको सोचना है कि आपने जो उन्हें फॉलो किया हुआ है, आप उनके ट्रू समर्थक हो, ट्रू फॉलोवर हो, पॉजिटिव वे में आप उनका समर्थन करते हो, एक अच्छा इंसान समझते हो, या फिर आपने इसलिए फॉलो किया हुआ है कि यार उनकी पर्सनल लाइफ में ताक झाक करने का शौक है आपको। आप देखना चाहते हैं कि दो लड़कियां रिलेशनशिप में होती हैं तो वो करती क्या हैं। तो डियर, उनको ताक झाक की नज़र से मत देखो, उन्हें रिस्पेक्ट की नज़र से देखो, इंसान लगेंगे। हालांकि हमारे समाज में काफ़ी चीज़ें बदली हैं पिछले कुछ सालों में, बहुत चेंज आया है, बहुत परिवर्तन आया है, लोगों की सोच बदली है, और ये बहुत ज़रूरी भी है हमारी सोसाइटी की मेंटल हेल्थ के लिए। अब तो इंडिया में भी ये चीज़ें लीगल हो गई हैं, लेस्बियन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि दो लड़कियां आपस में शादी कर सकती है और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी सकती है और इन्जॉय कर सकती है। तो कैसा लगा यह इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।